मीडिया में फर्जी खबरों पर लगाम लगाने को लेकर आज अहम बैठक। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित संसदीय समिति न्यूज ब्रॉडकास्टर्स और एडिटर्स गिल्ड के प्रतिनिधियों से लेगी सुझाव। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे हैं समिति के अध्यक्ष। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 की तारीखों का ऐलान। 15 फरवरी से शुरू होने वाली 10वीं की परीक्षा 18 मार्च को होगी खत्म, जबकि 12वीं की परीक्षा 4 अप्रैल तक होगी। केंद्रीय सड़क मंत्री नितिन गडकरी आज बिहार को देंगे कई परियोजनाओं की सौगात। गया के एक दिवसीय दौरे पर आ रहे गडकरी एनएच से जुड़ी कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास और उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के बारामूला से सांसद रशीद इंजीनियर की जमानत याचिका पर फैसला। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट सुनाएगी फैसला। टेरर फंडिंग केस में रशीद को एनआईए ने 2016 में किया था गिरफ्तार। यूपी के संभल में शाही जामा मस्जिद का प्रारंभिक सर्वे मंगलवार शाम हुआ। सर्वे के दौरान दोनों पक्षों के 5-5 प्रतिनिधि रहे मौजूद। याचिका में दावा किया गया है कि प्राचीन मंदिर को मुगल सम्राट बाबर ने 1529 में मस्जिद में तब्दील कर दिया था। संभल जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर मुस्लिम समुदाय में गुस्सा है। मौके पर नाराज लोगों को सांसद जियाउर रहमान बर्क ने समझा बुझाकर करवाया शांत। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की आज से सनातन हिंदू यात्रा। धीरेन्द्र शास्त्री की बागेश्वर धाम से शुरू हो रही यात्रा 29 नवंबर को ओरछा में होगी खत्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर इरफान अली के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता। दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक, कृषि और प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में हुए कई अहम समझौते। पीएम मोदी ने गुयाना के राष्ट्रपति से द्विपक्षीय वार्ता से इतर भारत कैरिकॉम शिखर सम्मेलन को भी किया संबोधित। 5 साल बाद हुई समिट को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि आपसी और दुनिया की सभी चुनौतियों से हम साझा स्तर पर लड़ेंगे। गुयाना के राष्ट्रपति अली ने प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के नेताओं में चैंपियन बताया। डॉक्टर अली ने कहा कि उनके प्रभावशाली नेतृत्व और विकासशील देशों के लिए मैं योगदान काबिले तारीफ है। 56 साल बाद गुयाना दौरे पर पहुंचे पहले भारतीय पीएम मोदी का जॉर्जटाउन पहुंचने पर हुआ भव्य स्वागत। गुयाना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी की अगुवानी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जॉर्जटाउन में पौधारोपण भी किया और अपने 6 दिवसीय विदेश दौरे के आखिरी चरण में पीएम मोदी गुयाना पहुंचे। महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के बाद आए एग्जिट पोल में दिखा मिला जुला रुख। और किसी सर्वे में महाराष्ट्र में महायुति तो किसी ने महाविकास अघाड़ी को बताया चैंपियन। झारखंड में भी उलझा दिखा एग्जिट पोल। महाराष्ट्र में 11 एग्जिट पोल में से 6 में बीजेपी गठबंधन यानी कि महायुति की सरकार बनने का अनुमान है, जबकि 4 एग्जिट पोल में कांग्रेस गठबंधन वाली महाविकास अघाड़ी ने को बहुमत मिला। एक सर्वे में हंग असेंबली की भी संभावना है। झारखंड में 8 एग्जिट पोल्स में 4 में बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार बनने की संभावना है, जबकि 2 पोल्स ने इंडिया गठबंधन को और 2 ने हंग असेंबली की अनुमान लगाया है। फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक भी महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन को बढ़त है। अनुमान के मुताबिक बीजेपी को 90 से 95 सीट मिल सकती है। राज्य में महायुति को 142 से 151 सीटें मिलने का अनुमान है। पोल ऑफ पोल्स और मैट्रिस पोल, पोल डायरी, चाणक्य स्ट्रेटजी सहित तमाम एग्जिट पोल्स में महाराष्ट्र में महायुति की वापसी की संभावना जताई गई है। हालांकि पीएमएआरक्यू ने एमवीए को भी बहुमत से ज्यादा सीटें आने का अनुमान लगाया है। झारखंड में टाइम्स नाउ जेवीसी के एग्जिट पोल में एनडीए को 40 से 44 सीटें जबकि इंडिया गठबंधन को 30 से 40 सीटें मिल सकती हैं। झारखंड के लिए सिर्फ एक्सिस माई इंडिया ने इंडिया को बहुमत दिखाया है। एग्जिट पोल में इंडिया के लिए 53 सीटों का अनुमान है जबकि एनडीए के लिए 25 सीटें हैं। वहीं यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भी बीजेपी भारी पड़ती दिख रही है। टाइम्स नाउ जेवीसी के मुताबिक बीजेपी की 6 और सपा को 3 सीटें मिलने की संभावना है। सपा करहल सीसामऊ जैसे गढ़ बचाने में कामयाब। सीएम योगी की तमाम कोशिशों के बावजूद करहल में सपा के तेजप्रताप और सीसामऊ में नसीम सोलंकी की जीत होती दिखाई दे रही है। बीजेपी गठबंधन को फूलपुर, पुंदरकी, खैर, मीरापुर, गाजियाबाद, मचपा, कटहरी विधानसभा सीट में जीत का अनुमान लगाया गया है और मैट्रिक्स ने बीजेपी को 7 और सपा को 2 सीट जीतने का अनुमान लगाया। महाराष्ट्र में सीएम के तौर पर मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सबसे ज्यादा 35.8% लोगों की पसंद है। यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे को 21.7% और देवेंद्र फडणवीस को 11.7% वोट मिले हैं। एनसीपी प्रमुख अजीत पवार को मात्र 2.3% और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को 1.3% लोग सीएम के तौर पर देखना चाहते हैं।
झारखंड में एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक 41% लोग सीएम के तौर पर हेमंत सोरेन को ही देखना चाहते हैं, जबकि चंपई सोरेन को मात्र 7% और बाबूलाल मरांडी को 13% लोगों ने किया पसंद। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चुनाव बाद आए एक्सिट पोल पर जताया भरोसा, कहा कि राज्य में हमारी सरकार बनेगी। हालांकि मरांडी ने एक बार फिर खुद को सीएम पद के दावेदार से किया अलग। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने भी एनडीए सरकार बनने का जताया भरोसा, कहा कि राज्य में घुसपैठ बड़ा मुद्दा, लोगों ने गंभीर मसले को ध्यान में रखकर किया है मतदान। रांची से जेएमएम प्रत्याशी महुआ मांझी ने एग्जिट पोल्स को किया खारिज, कहा कि ये एजेंडा जमीनी सच्चाई से कोसों दूर है, इंडिया गठबंधन का सत्ता में वापस आना तय है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने एग्जिट पोल्स के अनुमान को मोदी सरकार के कामकाज का बताया नतीजा, कहा कि देश भर में चल रहे विकास को झारखंड के लोग भी महसूस करना चाहते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एग्जिट पोल्स पर कहा कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तब तक बीजेपी को फायदा होता है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी नेता छगन भुजबल ने एग्जिट पोल्स पर जताया भरोसा, कहा कि 23 नवंबर को हमारी सरकार फिर से बनने जा रही है। भुजबल ने किया दावा, लोकसभा चुनाव के बाद से हालात बदले हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रभारी रमेश चेन्नीथला ने एग्जिट पोल्स के अनुमान को किया खारिज और कहा कि एग्जिट पोल्स की हवा तो लोकसभा चुनाव में ही निकल चुकी थी। महाराष्ट्र चुनाव के एग्जिट पोल पर यूपी नेता आनंद दुबे ने कहा कि हम एग्जिट पोल पर सवाल नहीं करना चाहते, एग्जिट पोल पर कितना विश्वास करना है कितना नहीं ये हम नहीं जनता पर छोड़ चुके हैं। मुंबई की मुंबा देवी सीट से शिवसेना उम्मीदवार शायना एनसी ने एग्जिट पोल्स पर उठाए सवाल, कहा कि एग्जिट पोल्स एग्जैक्ट पोल नहीं होते हैं और इसका हश हम हरियाणा और लोकसभा में देख चुके हैं। कांग्रेस नेता अमित देशमुख ने एग्जिट पोल्स को किया खारिज, कहा कि लोगों में महाविकास आघाड़ी सरकार को वापस लेने का उत्साह मतदान में दिखा। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल पर बीजेपी नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता अपार बहुमत से महायुति की सरकार बना रही है और झारखंड में बदलाव तय है। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के एग्जिट पोल पर मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि बीजेपी प्रचंड बहुमत से सभी 9 सीटें जीत रही है। यूपी उपचुनाव के एग्जिट पोल को समाजवादी पार्टी ने किया खारिज, सपा सांसद डिंपल यादव और धर्मेंद्र यादव में पूर्व अनुमानों को बताया बकवास, कहा कि 23 नवंबर को दिखेगी 2027 की तस्वीर। महाराष्ट्र की 288 और झारखंड में दूसरे चरण के तहत 38 सीटों के लिए बुधवार को वोट डाले गए। चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र में 65.8% और झारखंड के दूसरे चरण में 68.45% हुआ मतदान। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों पर बुधवार यानी कि 20 नवंबर को एक फेज में हुए चुनाव, जबकि झारखंड की 81 सीटों के लिए 13 नवंबर को 43 और 20 नवंबर को 38 सीटों पर वोटिंग हुई। महाराष्ट्र में 58.22% वोटिंग और गढ़चिरौली में सबसे ज्यादा 69.63% वोटिंग हुई, जबकि मुंबई शहर की बात करें तो सबसे कम 49.7% मतदान हुआ। झारखंड की बात करें तो 67.59% मतदान हुआ है। जामताड़ा में सबसे ज्यादा 76.16%, जबकि बोकारो की बात करें तो 60.97% मतदान, इससे कम है थोड़ा। यूपी उपचुनाव के दौरान गड़बड़ी की खबरों पर चुनाव आयोग का एक्शन भी हुआ है। ईसी ने 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। इन अधिकारियों पर मतदाताओं को डराने धमकाने और वोटिंग से रोकने का आरोप था। चुनाव आयोग के निर्देशों की अनदेखी करने पर नए पुलिस अधिकारी नपे हैं। कानपुर में 2, मुजफ्फरनगर में 2 और मुरादाबाद में 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं। यूपी में हो रहे उपचुनाव के बीच जबरदस्त बवाल हुआ। मुजफ्फरनगर के मीरापुर के पोलिंग बूथ पर जबरदस्त बवाल देखने को मिला, पत्थरबाजी हुई, हंगामा, ककरौली में पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कानपुर के सीतामऊ विधानसभा में भी हंगामा हुआ। हलीम कॉलेज बूथ के पास लोगों का आरोप कि वोटर आईडी कार्ड मतदाता पर्ची होने के बावजूद पुलिस पर वोट डालने से रोकने का आरोप लगाया है। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में हुई हिंसा के लिए आरएलडी और सपा ने एक दूसरे पर लगाया आरोप। आरएलडी ने कहा कि बाहर से बुलाए गए थे वोटर। मुजफ्फरनगर के ककरौली थाने के एसएचओ का रिवॉल्वर ताने वीडियो वायरल। मीरापुर सीट पर वोटिंग के दौरान एसएचओ पर रिवॉल्वर दिखाकर वोटरों को धमकाने का आरोप है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उपचुनाव में प्रशासन और पुलिस के कथित दुरुपयोग को लेकर किया हमला, कहा कि उपचुनाव में हार रही बीजेपी अब सत्ता का दबाव और वोटरों को डराकर जीत हासिल करना चाहती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस अधिकारियों को दी खुलेआम धमकी, कहा कि सरकार आने पर हर एक का होगा हिसाब। पीसी में सवाल पूछने पर पत्रकार को कहा अपशब्द।
यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव और सपा को दिया करारा जवाब। कहा कि उपचुनाव में हो रही हार से सपा अध्यक्ष आपा खो रहे हैं और अपने गुंडे माफियाओं को आगे कर दिया है। महाराष्ट्र के नांदगांव में भी बवाल। शिवसेना शिंदे गुट और निर्दलीय प्रत्याशी के कार्यकर्ताओं में हुई भिड़ंत। शिवसेना प्रत्याशी सुहास कांदे और समीर भुजबल ने एक दूसरे को दी जान से मारने की धमकी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने द साबरमती रिपोर्ट की स्क्रीनिंग में हिस्सा लिया। अहमदाबाद में हुई स्क्रीनिंग में राज्य के गृह मंत्री हर्ष सांघवी और अभिनेता जितेंद्र भी रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म के अभिनेता विक्रांत मैसी और राशि खन्ना को सम्मानित किया। यूपी के संत कबीर नगर के घनघटा सीट से बीजेपी विधायक का सादगी भरा वीडियो वायरल। बीजेपी विधायक दूल्हा बने अपने ड्राइवर के ड्राइवर। गणेश चौहान खुद गाड़ी चलाकर ड्राइवर को मंडप तक ले गए। बिहार के राजगीर में खेले गए एशिया महिला हॉकी चैंपियनशिप में फाइनल में जीता भारत और चीन को 1-0 से दी मात। दीपिका कुमारी ने किया एकमात्र गोल। भारत ने तीसरी बार जीता खिताब। बिहार के खेल प्रेमियों के लिए खुशखबरी। राजगीर में अब अगले साल 27 अगस्त से 7 सितंबर तक पुरुषों के एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट का मेजबान होगा। इस टूर्नामेंट के विजेता को मिलेगी 2026 वर्ल्ड कप में सीधी एंट्री। एक बार फिर संवाद यात्रा करके बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिसंबर में संवाद यात्रा पर निकलेंगे। महिलाओं से करेंगे संवाद, जानेंगे समस्याएं। इस यात्रा के लिए मंगलवार को कैबिनेट से भारी बजट पास हुआ है। कैबिनेट में ग्रामीण विकास विभाग की ओर से 225 करोड़ 78 लाख रुपए की योजना को मंजूरी दी गई है। अगले महीने शुरू करेंगे यात्रा। प्रदूषण की मार झेल रही दिल्ली में मामूली सुधार हुआ है। दिल्ली में प्रदूषण से थोड़ी राहत है और 500 से नीचे आया है AQI। दिल्ली में तमाम इलाकों में वायु गुणवत्ता 400 के आसपास दर्ज की गई है। स्मॉग की वजह से बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया प्रदूषण। दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI 300 से ज्यादा है। वहीं पूरे NCR में प्रदूषण को देखते हुए आज भी ऑनलाइन क्लासेस हैं। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सचिवालय में आज होगी बैठक। कर्मचारियों की शिफ्ट को लेकर लिया जा सकता है फैसला। दिल्ली में धुंध के बीच ट्रेनों की आवाजाही जारी है। स्मॉग के चलते 13 ट्रेनें देरी से चल रही, जबकि 9 ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है। प्रदूषण की मार झेल रहे दिल्ली NCR पर ठंड और कोहरे का डबल अटैक। उत्तर भारत में शीतलहर के बाद तापमान गिरा। दिल्ली यूपी MP राजस्थान बिहार में तेजी से मौसम बदला है। बिहार के 11 जिलों में ठंड ने बढ़ाई टेंशन। उत्तरी भागों में घना कोहरा अलर्ट जारी। वहीं यूपी MP में लोग ठंड से निपटने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। मौसम विभाग ने एयरपोर्ट हाईवे पर सतर्कता बरतने की सलाह दी। सुबह और देर रात को और कोहरा बढ़ने का अंदेशा जताया। राजस्थान में तापमान में गिरावट के कारण अजमेर शहर में कोहरा छाया। लोग खुद को गर्म रखने के लिए आग के पास बैठे नजर आए। तो आप ये घने कोहरे की तस्वीर देख रहे हैं। अजमेर में ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। विजिबिलिटी बेहद कम है। ऐसे में News24 भी आपसे अपील करता है कि आप सेफ ड्राइव करें, क्योंकि ऐसे में एक्सीडेंट होने का ज़्यादा खतरा रहता है। और कई बार आपने सर्दी के मौसम में देखा है कि बड़े बड़े एक्सीडेंट भी हुए हैं। इन सब से आपको बचना है।